एकदम राम जी आ गए, प्रभु श्री राम भव्य राम मंदिर में स्थापित हो गए, ये स्वागत योग्य है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था इस देश के साथ, सभी विवादों को खत्म करके श्रद्धेय प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित किया। बीजेपी और बिहार में नेता है, उन लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं इसलिए राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव के कारण ऐसा डिसीजन लिया। अब उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये शिलान्यास 2020 में हुआ, आज नहीं हुआ। काम पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों को आदत है कि 10 वर्ष तक काम ही कराते। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने 3 वर्षों में पूरा कार्य मंदिर का भव्य उद्घाटन के स्वरूप में खड़ा कर दिया। कल कर्पूरी जयंती आप लोग मनाएंगे या? एकदम मनाएंगे, एकदम मिलर स्कूल के मैदान में ही मनाएंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम स्थल है। कल हर हालत में जनता दल यूनाइटेड को 7 बजे सुबह पूरे फील्ड को खाली करना पड़ेगा। नीतीश जी मिले हैं गवर्नर से, कुछ होने वाला है? नीतीश जी मुलाकात किए गवर्नर से, कुछ होने वाला है क्या? नीतीश जी गवर्नर से मिले हैं तो बिहार के विकास की चिंता करें, मेरा यही आग्रह है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।